हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत सैनी है। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डिजाइन इंस्पिरेशन चैनल के ऊपर। तो बेसिकली आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो वीरे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बेसिकली वीरे लाइट्स के बारे में है। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, आपको चैनल पर मिल जाएगा और प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीरे लाइट्स के बारे में, इसके यूजेस कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या हमें इसके अंदर जो वीरे असेट्स जो एडिटिंग है वहाँ पे हमें इसकी क्या क्या सेटिंग मिल जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमें लाइट का कलर चेंज करना है या इंटेंसिटी वगैरह हमें क्या रखनी है, वो सारी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वीरे लाइट जो मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया है, तो यहाँ पे है लाइट जेन। तो सबसे पहले बेसिकली मैं आपको बताता हूँ लाइट जेन अभी हम इसमें कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है। तो बट फिर भी मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बता देता हूँ, एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो बेसिकली लाइट जेन क्या काम करता है, लाइट जेन आपको अलाउ करता है कि आपका जो मॉडल है, जो आपका वर्क स्पेस है जिसका आप रेंडर निकाल रहे हैं जिस सीन का, उसको अलग अलग सनलाइट्स या आप डे या फिर इवनिंग के अंदर कैसे निकाल सकते हो उसी मॉडल के अंदर, तो आपको ये प्रोवाइड कर देता है। इसलिए कुछ वेरियंट्स वगैरह जनरेट करता है, तो इसकी हम आगे बात करेंगे, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो हम आगे बनाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो लाइट है वो है रेक्टेंगल लाइट। बेसिकली रेक्टेंगल लाइट्स आप फॉल सीलिंग्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो। आपको अगर फॉल सीलिंग पैनल्स वगैरह क्रिएट करने हैं, लाइट पैनल्स या फिर जो राउंड लाइट्स वगैरह इनको क्रिएट करनी है, तो आप रेक्टेंगल लाइट का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास रेक्टेंगल लाइट। तो बेसिकली रेक्टेंगल लाइट को यूज़ करने के लिए आपको पहले सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद एक सेकंड पॉइंट हमें सेलेक्ट कर लेना होता है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे अभी वो हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद जो ये लाइट है, मुझे अभी एक मल्टीपल लाइट्स हमें यूज़ नहीं करनी है, मल्टीपल लाइट्स नहीं बनानी है। जैसे मैं यहाँ जाकर फिर से एक और लाइट क्रिएट करूँ, ऐसा नहीं करना है अभी, क्योंकि मैं एक सीलिंग लाइट बना रहा हूँ जो कि एक ही कलर और एक ही इंटेंसिटी में जलने वाली है। तो मेरे को मल्टीपल लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसी लाइट चाहिए जिसको अगर मैं सिंगल एडिट करूँ तो सारी की सारी एक साथ एडिट होके वो एक जैसा ही इम्पैक्ट डाले, इफेक्ट डाले। तो चारों तरफ हम इसको लगा लेते हैं एक बार कुछ इस तरीके से रोटेट करके, और इनको एडजस्ट करना होगा हमें कुछ इस तरीके से अंदर लेके आके। और सबसे पहला मैं इसको आगे की तरफ एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और जो हमारी जो ये वाली लाइट है इसको भी हम इस तरफ स्पेस पे एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और जो ये लाइट आगे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, इसको हम स्केल करके पीछे की तरफ जो ये फेस है यहाँ तक हम इसको मिला देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा लाइट है उसको हमें और भी जगह लगानी है, जैसे मान लीजिए इस लाइट को हमें इस पोर्शन में भी लगाना है, रिपीट करना है इस लाइट को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी कोव है, तो इस कोव के अंदर भी हमें लाइट लगानी है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से फिर हमें कॉपी करना है और आगे की तरफ यहाँ पे इस लाइट को लगा देना है कुछ इस तरीके से, और एडजस्ट करना है इस फेस पे। ऊपर जाके फिर हमें देखना है कि हमारी जो लाइट्स हमने लगाई हुई है अभी यहाँ पे, उनको स्केल करना होगा हमें कुछ इस तरीके से, इस फेस पे और इस फेस पे, यहाँ पे वन सेकेंड इस फेस तक हमें लगाना होगा। उसके बाद फिर से हमें इसको रोटेट करना है और इस वाले पोर्शन पर हमें इसको लगाना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब ये बाहर वाली लाइट है, मैं एक बार इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हम इसी को लाइट को एडजस्ट कर देंगे, इसको हम स्केल भी करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमें लगा दिए। और उसके बाद इसको मूव करके इसके फेस पे हम ले आएंगे और आगे की तरफ इसको कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। और जो ऊपर हमारी जो लाइट्स दिख रही है इसको एक ग्रुप बना लेंगे जिससे हमें मॉडलिंग में ईजी रहे। उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको एक रेंडर लगा के दिखाता हूँ कि इस समय ये लाइट कैसी शो करेगी कुछ, और इसकी जो एडिटिंग है लाइट की हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपली लाइट को सेलेक्ट करना होता है। तो ये लाइट सेलेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता है, चाहे वो लाइट का हो या फिर किसी मटेरियल का हो, आपको ऑटोमेटिक सेलेक्शन के बाद यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट की जितनी भी सेटिंग्स है इससे रिलेटेड वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अगर आपको यहाँ पे एक टॉगल का बटन दिखेगा, आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी की सारी सेटिंग्स दिख जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कलर एंड टेक्सचर्स। अगर आप यहाँ पे कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ जाके कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्सचर वगैरह है
तो आप यहाँ जाकर भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तो हम कलर देखना चाहते हैं इसमें इम्पोर्ट करके, कलर यहाँ पे मैंने लगा दिया है। उसके बाद इसकी जो इंटेंसिटी वो अभी मैं 120 के अप्रॉक्स रख रहा हूँ। यूनिट्स तो बेसिकली यूनिट आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग मिल जाएगी, जैसे लूमियन की है, डिफॉल्ट रेडियंट पावर, ये अलग अलग पावर से जो लाइट्स की पावर होती है उनके अंदर ये है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली अभी मैं डिफॉल्ट पे रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे शेप है, अभी हमें इसको रेक्टेंगल रहने देना है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। और इसके कुछ साइजेस यहाँ पे हैं। ऑप्शंस के अंदर हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपको इनविजिबल, नो डेंसिटी, शेडोज, डबल साइडेड। तो बेसिकली इनविजिबल जो आपका जो फेस है वो लाइट खुद ग्लो करके ना करके सामने की तरफ रिफ्लेक्ट करे, तो आप इनविजिबल कर सकते हो। और डेंस वगैरह आप अगर करना चाहते हो यहाँ से हो जाएगी। शेडोज अगर आपको लाइट के थ्रू दिखाना है कहीं तो आप उसको भी यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। डबल साइडेड यहाँ पे अगर आपको लाइट का जो फेस है उसको दोनों तरफ ग्लो करवाना है तो आप इस पर इनेबल कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद इफेक्ट स्पेक्टुलर और रिफ्लेक्शन, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे साइड फेस के अंदर दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो कितना ये फेस पे रिफ्लेक्ट करे। अभी मैं इतना रख देता हूँ इसको। और हमारी जो बेसिक सारी जो सेटिंग्स है वो हो चुकी है। अब हमें इसका रेंडर लगा के देखना है कि कैसा अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से मैं एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ इसको और रेंडर लगा के देखता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी जो रेंडरिंग है वो और भी ज्यादा क्लियर होती जा रही है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी जो लाइट है वो कैसा रिफ्लेक्ट कर रही है जो हमारा सरफेस है उसके ऊपर, सीलिंग सरफेस है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये सारी लाइट यहाँ पे जल रही है। तो बेसिकली आप फॉल सीलिंग्स भी इसी लाइट के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारी रेक्टेंगल लाइट के और भी जो काम है वो मैं बता देता हूँ। तो रेक्टेंगल लाइट फिर से मेरे को सेलेक्ट करनी है और एक पैनल जो मैंने बनाया इसका तो कॉर्नर से कॉर्नर तक मेरे को सेलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से एक लाइट बन जाएगी। इसके बाद मेरे को इस लाइट की कुछ सेटिंग्स करनी है। जैसे अभी मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो इस लाइट की सेटिंग आ चुकी है। मेरे को इस लाइट की जो सेटिंग्स है कुछ इस तरीके से भी रखनी है। और इसका जो इंटेंसिटी है वो मेरे को 80 रखना है। उसके अलावा मुझे अभी कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और इसको मूव करके मेरे को इसके मिडल में शिफ्ट कर देना है जिससे थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो इसको कंट्रोल एक्स करके अंदर की तरफ पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये सारे कॉम्पोनेंट्स बने हुए हैं जिससे ईजिली ये सबके अंदर प्लेस हो जाएगी। और उसी के बाद इसका जो दूसरा जो रेक्टेंगल लाइट हमें डिस्क के फॉर्म में भी कैसे मिल सकती है, एक राउंड के फॉर्म में कैसे मिल सकती है उसके बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लाइट क्रिएट करनी है, उसके बाद उसको सेलेक्ट करना है और अंदर की तरफ जाना है। देख पा रहे हैं मैंने जैसे सेलेक्ट किया प्रीव्यू आ चुका है मटेरियल जो भी हमारी लाइट का है। उसके बाद इसको मेरे को डिस्क के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे डिस्क लिखा हुआ है जो रेक्टेंगल था, ये डिस्क पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारी जो लाइट आप देख पा रहे हैं वो राउंड हो चुकी है कुछ इस तरीके से। अगर आपको इसका जो डाया है, डायामीटर है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ पे नीचे शेप के नीचे साइज दी दिए। तो बेसिकली अभी मेरे को इसको 3.8 रखना है जिससे ये अंदर चला जाए। तो और इसकी जो इंटेंसिटी और लाइट है वो मैं अभी यहाँ पे कर देता हूँ पहले ही इस तरीके से। और इसको भी मैं 80 रख रहा हूँ इस तरीके से। आप देख पा रहे मैंने इसको कर दिया है। और यहाँ जाके मुझे इसको प्लेस करना है कुछ इस तरीके से। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे ये अंदर वाली सरफेस पे कम्प्लीटली आ जाए कुछ इस तरीके से। अंदर वाली सरफेस पे थोड़ा सा और मैं ले लेता हूँ, इसको अंदर की तरफ मैं शिफ्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और कंट्रोल एक्स करके वही मेरा कंपोनेंट बना हुआ है सारा। तो एडिट पेस्ट इन प्लेस इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। चलिए इसका एक रेंडर लेके देखते हैं। ये रेक्टेंगल लाइट फॉल सीलिंग में भी हमारी काम आ गई, पैनल लाइट्स बनाने में भी, और राउंड पैनल भी हम बना सकते हैं इसके थ्रू। तो चलिए रेंडर लेते हैं इसका। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं रेंडर क्लियर होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने एक डिस्क के फॉर्म में लाइट लगाई थी रेक्टेंगल लाइट को, एक कंप्लीट रेक्टेंगल बना के हमने लगाई थी। तो आप दोनों तरीके से रेक्टेंगल लाइट को यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल और डिस्क इस तरीके से दिखाई दे रही है और कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन यहाँ पे पड़ रहा है इसका वॉल पे। तो अभी कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लाइट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पेयर लाइट। तो बेसिकली स्पेयर लाइट स्पेयर के फॉर्म में जलती है, जो खुद आउटर सरफेस है वो भी ग्लो होता है इसके साथ। तो मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से ये बन जाती है।
यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने इसको बना लिया। आप साइज भी रेडियस जो मैं सेट कर रहा हूँ वैसे आप सेट कर सकते हो इसका, जो भी आपको रखना है। अभी मैंने टूल लिया है यहाँ पे, उसके बाद मेरे को सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसकी जो एडिटिंग है मतलब जो भी इसकी लाइट की सेटिंग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्पेयर ग्लो कर रहा है। उसके बाद आप कलर आप वही अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो अभी मैं 50 के समथिंग रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ पे मिडल में मैं प्लेस कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर देता हूँ अंदर की साइड इस तरीके से। और इसके बाद जो अंदर वाली लाइट है मैं उसको हाइड कर देता हूँ, और जो बाहर अंदर वाली लाइट है उसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से, और जो बाहर जो हमने लाइट बनाई है उसको कंट्रोल एक्स करके अंदर की तरफ पेस्ट इन प्लेस कर देता हूँ वही कंपोनेंट के अंदर। और सामने जाके एक रेंडर में आपको लेके दिखाता हूँ कि ये डोम के फॉर्म में कैसे जलता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कुछ सीलिंग पैनल्स वगैरह अलग तरीके से क्रिएट करने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए इसका रेंडर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं रेंडरिंग क्लियर होती जा रही है इमेज। तो मैंने अभी यहाँ पे एक स्पेयर लाइट बनाई थी जो कि बाहर आके सरफेस से बाहर आके डोम के फॉर्म में जल रही है। आप इसकी इसको कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको फेस को इनविजिबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट अभी ये इसके साथ दिखाई दे रही है जो कि विदाउट फेस इनविजिबल है, और ये रिफ्लेक्ट भी कर रही है वॉल पे इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डोम के फॉर्म में जल रही है। एक बार मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ रेंडरिंग को, और इसकी और भी जो सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कलर आ रहा है, इंटेंसिटी यूनिट जो आपको बता दी है, साइज अभी इसकी डायमीटर 4 है। उसके बाद आप इसको इनविजिबल भी कर सकते हो। आप देख पा रहे हैं प्रीव्यू जो बीच का जो स्पेयर था वो गायब हो चुका है, जो बाहर के सर्फेसिस पे ये रिफ्लेक्ट कर रही है ओनली, वही आपको सारी की सारी जो चीज़ें पहले देखने को मिल रही थी शेडोज अफेक्ट डिफ्यूज स्पेक्युलर ये सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पे मिल रही है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे इसको इनविजिबल से हटा देता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास लाइट है वो है स्पॉट लाइट। तो बेसिकली स्पॉट लाइट किसी भी चीज़ को अगर आपको ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना है तो आप स्पॉट लाइट का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको करना कुछ ही नहीं है, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है पॉइंट, और जो जहाँ आपको यहाँ पे प्लेस करनी है उस पॉइंट को आपको सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। उसके बाद इस लाइट को सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो इसकी सेटिंग्स है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मैं इसको 10,000 अभी कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से एक बार पिक कर लेता हूँ इस तरीके से। और अगर आपको इसकी जो भी और भी कोण एंगल वगैरह है मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो लाइट जिस कोण एंगल पे जो राउंड बना रही है सरफेस के ऊपर, अगर आपको आपको इसको कंट्रोल करना है तो आप बेसिकली यहाँ से सीधा सीधा इसको कंट्रोल कर सकते हो इस कि कितना ये एंगल के ऊपर नीचे बीम अपनी गिराए सरफेस के ऊपर, तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शंस के अंदर वही शेडोज अफेक्ट डिफ्यूज और अफेक्ट स्पेक्युलर का जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा था पहले वो यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए इसका मैं आपको रेंडर लेके दिखाता हूँ कि कैसा ये वॉल के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, इम्पैक्ट कर रही है। तो चलिए इसका रेंडर लेते हैं यहाँ से। तो बेसिकली वो सिर्फ एक ही लाइट रह चुकी है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके अंदर की तरफ कर देता हूँ मैं पेस्ट एडिट पेस्ट इन प्लेस इस तरीके से। चलिए अब इसका एक रेंडर हम लेके देखेंगे कि हमें कैसा ये कंप्लीट दिखाई दे रहा है, किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रही है इसके ऊपर। तो हम देख पा रहे हैं हमारा जो रेंडरिंग है वो क्लियर होता जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वॉल के ऊपर हमें एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये है स्पॉट लाइट का इफेक्ट है। और अगर बेसिकली अगर हम इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा रखते हैं तो हमें नीचे जो फ्लोरिंग है वहाँ पर भी इसका जो इफेक्ट है वो दिखाई देता, जो बीम एंगल की मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ पर भी दिखाई देता। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो हमें बीम एंगल भी नीचे दिखाई देने लग जाएगा, जितने डार्कनेस रहेगा उसी के अंदर हमें बीम एंगल भी दिखाई देता है। तो चलिए बाहर आते हैं यहाँ पर। तो आज बेसिकली हमें 4 लाइट ही कवर करनी थी, जिसमें इसका तो डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ आगे।
और बाकी रेक्टेंगल लाइट, स्पेयर लाइट और स्पोर्ट लाइट हमने इस वाले टॉपिक में वीडियो के अंदर कवर कर लिया है, क्योंकि अगर मैं सारी लाइट्स में समझाऊंगा तो हॉचपॉच भी हो जाएगा प्लस और वीडियो की जो लेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आज का जो वीडियो है यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और नीचे एक रेड कलर का जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, आप उसे दबा दीजिए जिससे आपको आने वाले मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रुकिए जो कि आपको जल्दी ही मिलने वाली है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।